छेड़ी में को लगाई गई थी, तो उसमें पुलिस को सफलता मिली है जो उस घटना में आरोपी शामिल थे। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर महज 13 मिनट के अंदर 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, और शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेवाड़ी एसपी राजेश कुमार ने इसकी जानकारी दी। वारदात 11 दिसंबर की रात को हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 6 पुलिस टीम का गठन किया गया था, तो वहीं पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड सोनीपत के खरखोदा निवासी रोहित जांगड़ा व आरोपियों को पनाह देने के आरोपी महेंद्रगढ़ के मोहनपुर निवासी विकास को राजस्थान गुजरात सीमा से सटे आबू रोड से गिरफ्तार किया। जी हां, और झज्जर के बादली थाना क्षेत्र के गांव जगतपुरा निवासी अजय उर्फ मोटा को बहादुरगढ़ से वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। जी हां, और आपको बता दें कि अजय उर्फ मोटा पर अनेक संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लूट, राजस्थान के सीकर में मर्डर, गुरुग्राम में लूट, रोहतक में मारपीट व झज्जर में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इसीलिए अजय उर्फ मोटा को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है, जबकि लूट की वारदात के मास्टरमाइंड रोहित जांगड़ा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। जी हां, पुलिस इससे पहले आरोपियों को पकड़ने के लिए झज्जर, बहादुरगढ़, खरखोदा, झुंझुनू, पिलाणी व सिंघाना सहित अनेकों स्थानों पर दबिश दे चुकी है। 12 दिसंबर की शाम को 7 बजे से 7:30 के बीच में धारपुरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जो 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई थी, उस वारदात को जो वारदात में शामिल आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए जो है स्पेशल टीम का गठन किया गया था। उसमें DSP अमित भाटिया के नेतृत्व में जो है 6 टीमें को लगाई गई थी, तो उसमें पुलिस को सफलता मिली है जो उस घटना में आरोपी शामिल थे। उनमें से 3 आरोपियों को अब तक कुल गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, जिसमें से अजय उर्फ मोटा और रोहित, ये दोनों जो आरोपी हैं वारदात में खुद शामिल थे, जबकि तीसरा आरोपी विकास जो है इनको आरोपियों को आश्रय देने के लिए उसको धारा 212 IPC में जो है गिरफ्तार किया गया। ये जो वारदात है, इस वारदात के को अंजाम देने के लिए स्विफ्ट गाड़ी का प्रयोग किया गया था, वो स्विफ्ट गाड़ी भी पुलिस द्वारा जो है बहादुरगढ़ से रिकवर कर ली गई है, और जो अन्य आरोपी है उनकी पहचान कर दी गई है और उनको गिरफ्तार करने के लिए अभी विशेष प्रयास जारी है। सर, ये कोई गैंग थी या? हाँ, ये एक गैंग है, क्योंकि अगर हम इसमें जो आरोपी पकड़े गए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखें या उनकी जो पूर्व में वारदात है उनको भी देखें, तो जो स्विफ्ट गाड़ी का उन्होंने प्रयोग किया था यहाँ वारदात करने के लिए, वो राजस्थान के प्रागपुरा जो रूरल जयपुर का जो पुलिस उनका जिला है वहाँ से छीनी गई थी। तो उस वारदात में उस गाड़ी को, स्विफ्ट को छीन कर अगले दिन जो है 4 दिन बाद यहाँ पर उसके द्वारा वारदात की गई थी। और जो इसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ है अजय, उसके खिलाफ पूर्व में भी जो है लूट के और आर्म्स एक्ट के और मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं। कहाँ के रहने वाले ये अजय है रहने वाला? अभी फिलहाल ये फिलहाल जगतपुरा थाना बादली क्षेत्र में रह रहा है, अभी वहाँ का रहने वाला है। फिलहाल ये बहादुरगढ़ में रहता है। बरामदगी अभी, जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल हमने वो गाड़ी जो वारदात में प्रयोग हुई थी वो पुलिस ने कब्जे में ले ली है अपने, लेकिन उसके अलावा अभी जो मुख्य मुलजिम, मुख्य आरोपी जो है रोहित, गिरफ्तार किया गया, जो कि वारदात के समय गाड़ी में यहाँ पर साथ में आया था, तो उसकी आज पुलिस जो है उसको कोर्ट में पेश करके उसकी पुलिस कस्टडी जो है, पुलिस रिमांड हासिल करेगी, और जो हथियार है या जो लूटी गई रकम है उसकी वसूली के लिए उसको रिकवर कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। उसमें विशेष ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि इन्हीं पंप्स को क्यों टारगेट किया गया। जो आरोपी चारों में से जो एक गाड़ी में था जो अब गिरफ्तार किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो हड़बड़ाहट में और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में
क्योंकि उनको उम्मीद ये थी कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे एक पंप पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन्हें, तो इसलिए उन्होंने लगातार जो है एक के बाद एक पंप पर ये इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी, वारदात की इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। प्लानिंग में जो है जो अजय उर्फ मोटा जो है व्यक्ति जो पहले गिरफ्तार किया गया आरोपी, वो इसकी प्लानिंग में जो है शामिल था। सर अजय को पहले भी कहीं गिरफ्तार किया गया है? हाँ बिल्कुल, वो जो मैंने आपको मुकदमे बताए हैं दो लूट के हैं, आम सेक्ट के राजस्थान में थाना सीकर में, इसीलिए इसको हम इंटरस्टेट गैंग भी कह रहे हैं, क्योंकि इस गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है राजस्थान में भी और हरियाणा में भी कई बार। ये बेल पे था या इसको प्रोडक्शन वारंट पे है? नहीं, ये बाहर बेल पे था, इसको गिरफ्तार किया गया, प्रोडक्शन वारंट पे नहीं लिया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। सर सीकर का है तो किसी राजू ठेठ या लारेंस बिश्नोई से कोई संबंध है? बड़ी गैंग से नहीं, किसी बड़ी गैंग से अभी तक इन लोगों का संबंध आया सामने नजर आया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो बाकी आरोपी बचे हुए उनकी गिरफ्तारी के दौरान और हम इसमें पता लगाएंगे, लेकिन अभी तक किसी और गैंग से इनका कोई संबंध नहीं है। इन्होंने और भी वारदात किस तरह की अभी हमारे यहाँ पहली किस तरह? रेवाड़ी में तो यही चार बार जो लूट एक साथ की हुई हुई है, राजस्थान में मैंने आपको बताया है प्रागपुरा से इन्होंने जो है मोबाइल फोन और स्विफ्ट गाड़ी छीनी थी, जो स्विफ्ट गाड़ी प्राप्त हो चुकी है, और उसके अलावा एक और वारदात इन्होंने छीनने की या लूटपाट की नहीं है, वो हवाई फायर की है, वो झज्जर में हुई है, उसके बारे में हम और सूचना जो भी निकाले। इसके बाद इस बार करती है? पहले इस वारदात के बाद तो इनके पीछे जो पुलिस लगातार लगी हुई थी, और इसको जो हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है रोहित को, उसको हमने आबू रोड राजस्थान के सिरोही जिले से जो उसको गिरफ्तार किया। तो वारदात के बाद वहीं चले गए सर या वहीं आबू रोड चले? सीधा नहीं, मतलब पीछे पुलिस इनके लगी हुई थी, तो पीछे लगते लगते जब वहाँ तक जो इनके पीछे पुलिस पहुंची और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया। ये राजस्थान में छिपे थे? हाँ, मतलब जहाँ से गिरफ्तार किया है वो अलग अलग जगहों पे छुपते छुपाते जो है राजस्थान की तरफ इनकी लोकेशंस या जो हमारी टीमें इनके पीछे लगी हुई थी, तो वहाँ जाके इनको फाइनली एक आरोपी को वहाँ से गिरफ्तार किया। बाकी भी तीन आरोपी जो हैं उनके भी पीछे लगी हुई है टीमें, और जल्दी हमें उम्मीद है उनको भी गिरफ्तार होगा। सर अगर